जनता परेशान है, आप लोग न्याय का काम कीजिए। किसी के दबाव में, किसी के बहकावे में, किसी के प्रेशर में किसी को बचाने का काम ना करें। आज दिनांक 27 जनवरी 2022 को दरभंगा जिला राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पुरखोपट्टी बहादुरपुर दरभंगा की दो नाबालिग बच्चियों विभा कुमारी पिता योगेंद्र यादव एवं कुलवंती कुमारी पिता प्रदीप यादव के अपहरण, बलात्कार एवं हत्या तथा पुलिस के निष्क्रियता के विरोध में एक दिवस धरना का आयोजन जिला अध्यक्ष उमेश राय की अध्यक्षता में धरना स्थल पोलो मैदान लहरियासराय दरभंगा में किया गया। इस धरना में पूर्व विधायक भोला यादव ने कहा कि पुरखोपट्टी की घटना को जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा एक साजिश के तहत दबाया जा रहा है, इसकी लीपापोती की जा रही है, जबकि दोनों के बदन पर नोच खरोच के कई निशान थे, स्तन को भी काटा गया था, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बताया गया है। जिला अध्यक्ष उमेश राय ने कहा कि संपूर्ण मामले की सरकार न्यायिक जांच करावे, दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर त्वरित सुनवाई के माध्यम से पॉस्को एक्ट के तहत सजा की जाए तथा पीड़ित परिवार को कम से कम 25-25 लाख का मुआवजा दिया जाए। धरना में प्रदेश महासचिव बद्री आलम बदर, प्रदेश महासचिव सुनिधि रंजन दास, प्रदेश महासचिव रामचंद्र यादव, प्रदेश महासचिव उदय शंकर चौधरी, प्रदेश महासचिव अकलियत प्रकोष्ठ जुबैर आलम, जिला महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष यास्मीन खातुन, जिला अकलियत अध्यक्ष गुलाम हुसैन चीना, प्रखंड अध्यक्ष द्वारा वसी अहमद वसीद, प्रखंड अध्यक्ष बहादुरपुर एहसान अहमद, प्रखंड अध्यक्ष घनश्यामपुर नारायण यादव, प्रखंड अध्यक्ष प्रखंड महासचिव प्रधान महासचिव बद्री आलम, प्रखंड प्रधान महासचिव कुशेश्वर स्थान पूर्वी बबलू यादव, प्रधान महासचिव बहादुरपुर राम सेवक भगत के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना में भाग लिया। इसके बाद जिला अध्यक्ष उमेश राय के नेतृत्व में 5 सदस्यगण शिष्टमंडल, जिसमें पूर्व विधायक भोला यादव, बद्री आलम बदर, सुनीति रंजन दास, यास्मीन खातून थे। पुलिस अधीक्षक दरभंगा से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन उक्त मांगों से संबंधित सौंपा और अभिलंब कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई की स्थिरता की स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल एक दीर्घकालिक कार्य योजना के तहत जन आंदोलन करेगा और सड़क एवं सरकारी कार्यालयों को बंद कराया जाएगा, जिसकी जवाबदेही जिला प्रशासन दरभंगा की होगी। पूरे दरभंगा ही नहीं, पूरे बिहार को झकझोर के रखती है। हाथरस कांड को लेकर के इतनी हायतौबा की, लेकिन उससे बड़ा ये कांड है। और जिस तरह से इस मामले की लीपापोती सरकार और प्रशासन करना चाहती है, उससे साफ परिलक्षित होता है जो यहाँ गुंडों का राज हो गया है। राज के अंदर गुंडों का राज हो गया है। यहाँ आम आदमी सुरक्षित नहीं है, माँ बहनें सुरक्षित नहीं हैं, राज की बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरह से मिनट मिनट पर प्रशासन का स्टैंड बदल रहा है, ये अपने आप में चिंता का विषय है। जो दोषी है उसको उठाया जाता है, फिर छोड़ा जाता है, फिर उठाया जाता है। कहीं से भी वो एक अलग ही जात और बिरादरी होता है, इसका ये नाम है अपराधी। और अपराधी को कोई भी यदि संरक्षण दे रहा है तो ऐसे लोगों का हम लोग भर्त्सना करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, जो भी अपराधी है उसका उद्भेदन करें, उसको कड़ी से कड़ी सजा दें और इस पूरे मामले का न्यायिक जांच होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले को रफा दफा करने का पोस्टमार्टम से लेकर के अभी तक किया प्रयास किया जा रहा है, जो कि प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहा है। मैं दरभंगा के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक से एक ही बात का गुहार लगाता हूँ, जो आप लोग न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जनता परेशान है, आप लोग न्याय का काम कीजिए। किसी के दबाव में, किसी के बहकावे में, किसी के प्रेशर में किसी को बचाने का काम ना करें। इन्हें हमारी पार्टी और मैं, हमारे लोग लगातार इस मामले को उठा रहा हूं। मैं पीड़ित परिवार के घर भी गया था, जिस स्पॉट पर घटना हुई है उस स्पॉट पर भी गया था और सारे चीजों को बारीकी से नजर रखे हुए हैं। बड़ी पुलिस अधीक्षक से, स्थानीय थाना प्रभारी से, स्थानीय डीएसपी से लगातार हम इस पर वार्ता कर रहे हैं और लोगों पर प्रेशर बनाए हुए हैं जिसका निष्पक्ष जांच हो। मुजरिम पकड़ाया था, आखिर उसको आनंद फानम ने क्यों छोड़ा गया? यदि वो मुजरिम नहीं था तो आखिर उठाया क्यों गया?
और जब भी उठाया गया तो उसका तहकीकात पूरे तौर से किया नहीं गया। एक बार उठाया जाता है, छोड़ा जाता है, फिर उसी को उठाया जाता है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।